राजस्थान के करौली जिले से 120 किलोमीटर दूर भरतपुर जिला, जो केवलादेव घना अभ्यारण्य के नाम से भारत में प्रसिद्ध है। घना अभ्यारण्य को 1985 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है। मैंने बचपन से केवलादेव घना अभ्यारण्य देखा एवं वहां अनेक तरह के सुंदर सुंदर पक्षी भी देखे, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि भरतपुर के केवलादेव को अब बंद किया जाएगा। सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और देखने गई। देखकर बड़ा दुख हुआ कि वहाँ पानी नहीं है, पक्षी नहीं है, जहाँ देखो वहीं सूखा नजर आया। इस दर्जे को बचाए रखने के लिए छोड़ा गया पांचना डैम से पानी। पूरा पानी, पर्याप्त पानी आपको मिल पाया है? अभी जो पानी की आवक है आज की तारीख तक, वो हमारे कुछ ब्लॉक्स जो मेन प्रायोरिटी वाले हैं उनमें करीब करीब पूर्ति होने की संभावना है। पानी तो सभी को अच्छा लग रहा है एकदम। क्या पहले पानी नहीं था जब पक्षी नहीं आते थे? क्या बिल्कुल वो पक्षी नहीं आते थे, अब आने लगे पक्षी? हाँ, जो पर्यटक आने लगे, पर्यटक भी आने लगे। तो बताओ, वेयर फ्रॉम? इंग्लैंड। फर्स्ट बार? फर्स्ट, यस, या वी बीन हियर फॉर 3 वीक्स। अमेजिंग, बेस्ट टाइम एवर। यहां 300 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, जून व जुलाई में प्रजनन भी करते हैं। सबसे ज़्यादा पक्षी अक्टूबर व नवंबर के महीने में रहते हैं। यह वन्य प्राणियों व अनुसंधानकर्ताओं का आकर्षण का केंद्र है। तो आप क्या करते हो यहाँ पर? यहाँ पर हम टूरिस्टों को सार्सिंग कराते हैं, रिक्शा चलाते हैं पार्क के अंदर। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले पानी नहीं था, तब क्या करते थे? कुछ दिन पानी नहीं था, पानी टूरिस्ट का प्रॉब्लम था यहाँ पर। हमारा टूरिस्ट बहुत कम हो गया, काफ़ी कम आने लग गया था यहाँ। इस साल पानी भरा है, देखो अब क्या होता। अभी फिलहाल तो कमी है टूरिस्ट। ज़्यादातर टूरिस्ट किस महीने में आते हैं? विंटर सीजन में आता है, अक्टूबर से चल स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे टूरिस्ट नहीं है तो आप अपना पेट पालन अपने बच्चों को किस तरह से पालते होंगे? अब पेट पालन तो मैडम करना ही पड़ता है। अब जो दो दिन में, तीन दिन में एक ट्रिप लगता है। कितना पैसा मिलता है? ये तो टूरिस्ट के ऊपर है, हमारा 70 रुपये घंटे का रेट है इधर। 24 अगस्त को मैंने सुना और देखा कि मेरी ससुराल करौली के पासना डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई एवं करौली के लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। सुनीता कसेरा, इंडिया अनर्ट के लिए।